डी किचन क्वीन चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुरादाबादी मूंग दाल बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम धुली मूंग की दाल, जिसे मैंने भिगोकर रखा है। गार्निशिंग के लिए हरी चटनी, चाट मसाला, पनीर, भुना जीरा, नींबू, नमक और बटर। तो हम बनाते हैं। दाल को मैंने कुकर में रख दिया है और अब हम इसमें थोड़ा कम मात्रा में नमक डालेंगे। इस दाल में पानी डाला जाएगा। दाल के अनुसार पानी थोड़ा ज्यादा डाला जाएगा। इसमें और किसी भी तरह का कोई मसाला नहीं पड़ता है, सिर्फ नमक डाल दिया जाता है। दाल को मैंने चढ़ा दिया है और गैस ऑन करके दाल में दो सीटी लगाई। हमारी दाल अब बनकर तैयार है। दाल अच्छी तरह घुट गई है। इस दाल को बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहने देते, अच्छी तरह से घोट लेते हैं। और अगर आप कढ़ाई में बनाते हैं तो इसे देर तक और भी पका सकते हैं। अब दाल को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। पनीर को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस दाल को सर्व करने का कुछ अलग तरीका है। ये नाश्ते में खाने वाली दाल है, इसको डायरेक्ट खाने में नहीं खाया जाता है। इसमें हल्दी या मिर्चा कुछ भी नहीं पड़ता है। हरी धनिया की चटनी इसमें डाली जाती है। भुना जीरा, पनीर, ये सारी चीजें दाल का स्वाद बेहद बढ़ा देती हैं। ये मुरादाबादी मूंग की दाल एक विशेष तरह का नाश्ता है। हम इसमें बटर डालेंगे। अगर आप बटर ना डालना चाहें या ना पसंद करते हो तो ना डालें, लेकिन बटर डालने से दाल का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। ये भी अपनी इच्छा अनुसार आप डालें या ना डालें। अगर आप कम खट्टा पसंद करते हैं तो चटनी के अलावा और कोई चीज ना डालें खटाई के लिए। अब इसमें ऊपर से नींबू के रस की कुछ बूंदे डालेंगे। अब मुरादाबादी मूंग की दाल, जो एक बेहद स्वादिष्ट नाश्ता है, बनकर तैयार है। तो आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।